वैसे तो बॉलीवुड में लव अफेयर्स एकदम आम बात है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्ट्रेस हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी अपना दिल किसी और लड़की को दे बैठे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे कई एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो सुन के आपको बहुत हैरानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले लिस्ट में मैं अमिताभ बच्चन का नाम लूंगी। हर कोई अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श भी मानता है। अमिताभ बच्चन जब जया बहादुरी से शादी करने जा रहे थे, लेकिन तभी उनका नाम रेखा के साथ तूफान में था। शादी होने के बाद भी रेखा के नाम ने अमिताभ की शादीशुदा जिंदगी पर असर डाला था, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया। तो अब हम बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। तो शत्रुघ्न सिन्हा का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है। तो शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के अफेयर के बारे में सब जानते हैं। उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने कई बार शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय को एक साथ पकड़ा, लेकिन बात काफी ज्यादा बिगड़ी नहीं और आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान के बारे में। तो बॉलीवुड के किंग खान का दिल प्रियंका चोपड़ा पर फिसल गया था, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने गौरी खान को समझाने के बाद वो बात को समझ भी गई और शाहरुख खान को माफ भी कर दिया। तो अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के हीरो नंबर वन की यानी कि गोविंदा की। गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी संग लंबे वक्त तक जुड़ा था और जब दोनों के रास्ते अलग हो गए तो गोविंदा की बचपन की दोस्त सुनीता ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो अगला नाम है अजय देवगन का। तो अजय देवगन ने कंगना के साथ वंस अपॉन अ टाइम में काम किया था और इसी दौरान दोनों के बीच की जो नजदीकी है वो बढ़ गई थी। तो इस खबर के सामने आते ही अजय देवगन ने काजल से माफी मांग ली और काजल ने अजय देवगन को माफ भी कर दिया। तो अगला नाम है अक्षय कुमार का। इस लिस्ट में अक्षय कुमार का भी नाम शामिल है। ट्विंकल खन्ना के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताते वक्त वो अपना दिल प्रियंका चोपड़ा को दे बैठे थे। बाद में ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को समझाया और बात ट्रैक पर आ गई। तो अब हम बात करते हैं आदित्य पंचोली के बारे में। आदित्य पंचोली शादीशुदा होने के बावजूद भी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को अपना दिल दे बैठे थे। इस वजह से आदित्य पंचोली का अपनी पत्नी जरीना वहाब के साथ रिश्ता खराब हो गया था और फिर बाद में जरीना ने अपने पति आदित्य को माफ कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे एक्टर हैं जो अपना ट्रैक छोड़ के किसी और ट्रैक पे चले गए थे, लेकिन फिर भी उनकी पत्नियों ने इस रिश्ते को निभाया है, टूटने नहीं दिया। तो इन जोड़ियों में से आपको कौन सी जोड़ी पसंद आई और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी ज्यादा ऐसे बॉलीवुड अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।